आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज सोनी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सोलन में सीएम का ऐलान, सहकारिता नियमों में होगा बदलाव। शांता कुमार बोले, जनता ने चुना है, हिसाब भी जनता को ही दूंगा। सुंदरनगर में बस हादसा, दो की मौत, 60 घायल। केसीसी बैंक के एमडी पर चेयरमैन ने लगाए लाखों की गड़बड़ी के आरोप। पौंटा के सतौन में तिब्बतियों ग्रामीणों में खूनी जंग, 7 लोग जख्मी। हमीरपुर अस्पताल में साफ सफाई के लिए सांसद अनुराग ने सम्मानित किए अधिकारी कर्मचारी। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय नेक्सा सोलन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को सोलन के पैरागॉन होटल में कहा कि प्रदेश में सहकारिता नियमों में व्यापक बदलाव होगा। यहां राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में सीएम ने कहा कि प्रदेश में 100 वर्ष पुराने सहकारिता नियमों को बदला जाएगा। अब समय आ गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी विभिन्न दलों को सहकारिता से जुड़ने की आवश्यकता है। अब वोटों की गिनती हो गई तथा हर एक पार्टी को प्रदेश हित में जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को सुझाव दो, हम उस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। साधुपुल में पतंजलि की भूमि को बाबा रामदेव को देने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के गठन के बाद सभी विकल्प खुले हैं, समय आने पर इस पर भी सरकार कोई सर्वमान्य निर्णय जरूर लेगी। हमने महसूस किया कि कॉपरेटिव सेक्टर हमारा बड़ा नेगलेक्टेड है, जहाँ काम करने की आवश्यकता और उस काम करने की दृष्टि से हम शुरुआत करें। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने सर्किट हाउस चंबा में कहा कि कांग्रेस सरकार में हिमाचल प्रदेश का दिवालिया निकल गया, कर्मचारियों को देने के लिए पगार तक नहीं थी, प्रदेश की अपनी आमदनी कोई नहीं है, पर नई सरकार प्रदेश को अब विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सांसद ने कहा कि चंबा का सिकरीधार सीमेंट उद्योग जल्द शुरू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने उन्हें चुना है वह उसे अपने काम का हिसाब देंगे। हमें इस बात का दुख है कि वरासत में आर्थिक रूप से तो दिवालिया बन गया, छोटा सा हिमाचल, कोई साधन नहीं, यानी किसी प्रकार का सरप्लस साधन कोई नहीं है। सोमवार को सुंदरनगर के चाहा का डोहरा से सुंदरनगर की ओर आ रही एक निजी बस जड्रोन के कैंची मोड़ के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे बस में सवार 60 लोग घायल हो गए और चालक सहित एक अन्य की मौत हो गई। घायलों को सुंदरनगर अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हुई और बस के गिरने के कारणों का पता लगाने में जुट गई। वहीं दूसरी ओर एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान भी अधिकारियों संग घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अतिरिक्त दंडाधिकारी राजीव कुमार ने भी अस्पताल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायलों से रूबरू हुए। स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल और नाचन विधायक विनोद कुमार भी सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचे और घायलों का कुशलक्षेम जाना। वहीं प्रशासन की ओर से घायलों को आर्थिक मदद मुहैया करवा दी गई है। चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी सभी घायल जो है हॉस्पिटल में ठीक हैं। डॉक्टर सारे टीम यहाँ हॉस्पिटल में उनका उपचार कर रही है। सभी घायलों को मदद हो जाए इसकी हम सब लोग चिंता कर रहे हैं। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की सोमवार को बीओडी की बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। बैंक के मौजूदा चेयरमैन जगदीश सुपैया ने ऐलान किया कि भाजपा सही चेहरा लाती है तो वह समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सरकार के मंत्री द्वारा भेजे गए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के संदेश पर चुनौती देते हुए कहा कि बीओडी बहुमत में है और जोर आजमाइश से सरकार में हिम्मत है तो बीओडी को भंग करके दिखाए। सिपहिया ने बैंक के एमडी पर मनमानी कर लाखों रुपए की खरीदारी करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
बीओडी ने बैंक भर्ती परीक्षा पास कर चुके युवाओं को नियुक्तियां देने की सरकार से सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि बैंक भर्ती पर चले विवाद की सरकार चाहे तो किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा सकती है। बीओडी की बैठक में बैंक एमडी के नदारद रहने पर सिपाहियों ने कड़े तेवर दिखाए। उसका सीधे तौर पर जिम्मेवारी हमारे एमडी साहब की है, जो कि बोर्ड के नियमों को न मानकर, बोर्ड के आदेशों को न मानकर गलत ढंग से मनमानी कर रहे हैं, अन्यथा कहीं भी एनपीए नहीं बढ़ता। सतोन में स्थानीय लोगों और तिब्बतियों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को पांवटा सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से एक तिब्बती को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। रविवार रात एक ढाबे पर शराब पी रहे तिब्बतियों और स्थानीय युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इसके बाद देर रात करीब 11 बजे स्थानीय लोग तिब्बती सेटलमेंट में घुस आए और तिब्बती युवकों की डंडों और तेज धार हथियारों से पिटाई कर दी। उधर पांवटा पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और 3 लोग 7 लोग यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल में आए और उसमें से एक की हालत ज़्यादा खराब है, जिसको हमने पीजीआई रेफर किया। पालमपुर राज्य स्तरीय होली महोत्सव में हर वर्ष की भांति इस बार भी हिमाचली लोक गीतों की झलक के साथ पंजाबी तड़का भी सांस्कृतिक संध्याओं में देखा जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार करेंगे, वहीं समापन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। महोत्सव के लिए 150 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। 27 फरवरी से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी कलाकारों से लेकर हिमाचली लोकगीत कलाकारों व हास्य कलाकारों को समिति ने अंतिम रूपरेखा दे दी है। राज्य स्तरीय होली महोत्सव पालमपुर 2018 27 फरवरी 2018 से 2 मार्च 2018 तक होना निश्चित हुआ है। इस अवसर पे हम लोगों ने 4 सांस्कृतिक संध्याएं यहाँ पे होना निश्चित हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और शरारती तत्वों पर निगाह रखने के लिए राज्य स्तरीय होली महोत्सव के आगाज के मद्देनजर पालमपुर पुलिस ने भी कमर कस ली है। डीएसपी विकास धीमान ने कहा कि राज्य स्तरीय होली महोत्सव के लिए 150 जवान तैनात रहेंगे। 27 फरवरी को निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा झांकियों से लेकर मेले को धूमधाम से मनाए जाने के लिए ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए पुलिस ने वन वे की रूपरेखा को तैयार किया है, ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो। ट्रैफिक के लिए स्पेसिफिकली पिछले वर्षों की भांति ही इस बार भी डिफरेंट वन वे को टाइम टू टाइम लागू करेंगे और पॉइंट्स पे पुलिस ड्यूटी रहेगी और जो वेन्यू है जहां पे मेला है वहां पर भी 25 से 30 लोग जो हैं वो डिप्यूट किए जाएंगे। दूसरा जो गुग्गर मेला साथ में चलता है, इस बार उसमें भी हम कुछ सिविल में पुलिस के लोग लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वहां पे कुछ चेन स्नैचिंग या इस तरह से पर्स स्नैचिंग वगैरह हुए थे, उसको इस बार ध्यान रखा है और वहां भी पुलिस के लोग जो हैं वो सिविल ड्रेस में भी रहेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सौजन्य से हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल में कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 50 से अधिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जिस सारी टीम ने इस पूरे अस्पताल को साफ सुंदर रखा, स्वच्छ स्वस्थ रखा, उनके कारण हमीरपुर को स्थान मिला है। मैं सबको बधाई देता हूं और मुझे पूर्ण आशा है अगली बार इससे और अच्छा ये करेंगे। और अब आज का स्पेशल फीचर, आइए आज हम आपको सोलन के प्रसिद्ध मंदिर माता शूलनी के दर्शन करवाते हैं। सोलन व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों की अधिष्ठात्री देवी माता शूलनी है। शहर के शिल्ली गांव पर माता शूलनी का भव्य मंदिर है। बताया जाता है कि 200 वर्ष पूर्व राजा दुर्गा सिंह के वंशज माता शूलनी को राजस्थान से लेकर यहां आए थे। उस समय सोलन शहर को शूलनी गांव के नाम से जाना जाता था। राजा दुर्गा सिंह ने माता शूलनी का भव्य मंदिर बनवाया। इसके बाद सोलन शहर लगातार
तरक्की करता गया। आज सोलन शहर हिमाचल प्रदेश के अग्रणी शहरों में से एक है। मान्यता यह भी है कि जो भी व्यक्ति माता शूलनी के इस शहर में रहने के लिए आता है वह हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। करीब एक दशक पहले जब माता शूलनी की दो मूर्तियां चोरी हुई तो लाखों लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंची थी। अथक प्रयासों के बाद भी माता शूलनी की मूर्तियां नहीं मिल पाई। बाद में प्रशासन ने यहां पर पीतल धातु से निर्मित मूर्तियों को स्थापित किया। इस सब के बावजूद माता शूलनी में लोगों की अटूट आस्था है। बीते कई वर्षों से ये मंदिर प्रदेश सरकार के अधीन है। मूर्तियां जो है हमारे घाट स्टेट के राजा इनके बुजुर्ग पूर्वज जो है वो मूर्तियों को लाए थे। ये राजस्थान से की तरफ से आए थे और यहाँ पे सोलन शहर में बस गए और इन्होंने मूर्तियाँ भी यहाँ बसा करके मंदिर बनाया। और यहाँ पर सोलन का मेला हर साल जून के महीने में चलता है जो कि 3 दिन होता है। ये माता की 8 मूर्तियाँ हैं जिसमें 2 मूर्तियाँ माँ सोलनी माता की हैं, बाकी इनकी बहनों की हैं और साइड में 2 देवता, एक देव माली एक देव शिरगुल है। और इसके बाद जो है ये मेला जो है जून के महीने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये मंदिर कम अज कम 200 साल से ऊपर है। इस समय हम माता शूलनी मंदिर में खड़े हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त माता शूलनी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि माता शूलनी के नाम से ही सोलन शहर का नामकरण भी किया गया है। सोलन से देवी हिमाचल टीवी के लिए विनीत कुमार के साथ भूपेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। और अब चलते चलते फतेहपुर में खैर के 30 पेड़ काटे, 7.5 लाख की लकड़ी समेत 2 काबू। औजघाट में कोयले की गैस लगने से दार्जिलिंग निवासी की मौत। हमीरपुर में मेटलिंग कर रहे ट्रैक्टर ने पकड़ी आग, टायर जलकर राख। हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं प्रदीप शर्मा की आवाज में शिमला का ये लोकगीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल। दिव्य हिमाचल न्यूज़ बुलेटिन इज़ ब्रॉट टू यू बाय नेक्सा सोलन।